कल जो 22 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद इंदौर जिले में 235 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं और दो लोगों की मृत्यु के पश्चात ये आंकड़ा अभी तक 23 पर पहुंच गया है। स्क्रीनिंग में हमने जो क्षेत्र बढ़ा दिया था, कल हमने खजराना क्षेत्र में भी किया था और चंदन नगर क्षेत्र में भी कल स्क्रीनिंग की टीम से हमने बढ़ा दी थी। कुल मिला के लगभग 250 टीमें हमारी क्षेत्र में उठी हुई हैं, जिसमें आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता और एक शिक्षक उनकी मदद के लिए हैं। और कल करीब 2500 के लगभग लोगों का परीक्षण हम लोगों ने किया है और इनमें से 25 लोग ऐसे थे जिनको कुछ सर्दी खांसी थी, हालांकि उनमें कोरोना जैसे कोई सिम्टम नहीं पाए गए थे और उनमें से किसी का भी सैंपल करने की आवश्यकता नहीं थी, उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दिया गया था और वो घर पर ही है। कल हमारी टीम के द्वारा करीब 450 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया और लगभग 50 लोगों को हम लोगों ने जो अपनी इंस्टीट्यूट्स बनाई हैं वहाँ पर एक क्वारंटाइन कराया है। हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं कि रोज़ जो एक नया क्षेत्र हम लोग क्वारंटाइन कंटेनमेंट वाला लेते हैं वहाँ के लिए हम लगभग 40 से 50 टीमें बढ़ाते जा रहे हैं और वहाँ काम कराते जा रहे हैं। क्षेत्र के हिसाब से पूरा स्क्रीनिंग करना है और कोई भी छूटेगा नहीं और कोई भी घर छूटेगा नहीं। घर ये मैं जो बात कर रहा हूँ कि घर घर स्क्रीनिंग ही है और प्रत्येक कंटेनमेंट क्षेत्र में ये स्क्रीनिंग का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, बल्कि जहाँ हमने प्रारंभ किया था रानीपुरा और राजपति वाकल में, वहाँ इसको किए हुए करीब 5 से 6 दिन भी हो गए। संभवतः शाम तक ये रिपोर्ट हमारी जो आज टेस्ट थोड़ा नीचे वो आएंगी। और कल हमने क्षेत्र में करीब 200 से अधिक सैंपल लिए हैं जो आज टेस्ट लगाए जाएंगे और उनकी रिपोर्ट शाम तक प्राप्त होगी। कल कलेक्टर महोदय ने सख्त कदम उठाया है और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इस वक्त जो इंदौर की जनता के लिए काम नहीं करेगा उसको आगे भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक आदेश भी पारित कर दिया गया है जिसमें विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाले चिकित्सक और जो उनके स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों को नाम के सहित आदेश दिया गया है कि वो अपने अपने काम पर लौटें। ऐसा लागू कर दिया गया है, उसकी भी सूचना दे दी गई है। आज सुबह से कई चिकित्सकों के मेरे पास फ़ोन भी आ चुके हैं और वो अपने कार्य पर लौट गए। कुछ अस्पतालों को हम लोगों ने और बढ़ाया है येलो जोन में और कुछ बड़े अस्पतालों को रेड जोन में भी लेने की तैयारी चल रही है। आज संभवतः 11 बजे एक अस्पताल का निरीक्षण करने का कलेक्टर महोदय सही जा रहे हैं और संभवतः उसको आज फाइनल कर देंगे। ये प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। अगर हम अपने कंटेनमेंट एरिया में ही पूरी तरह से कर लें, जहाँ लक्षण पाए जाते हैं वहाँ अगर कर लें, तो मेरे ख्याल से हम लोग अपने शहर को सुरक्षित रख लेंगे।